न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा। गिरिडीह केंद्रीय कारा के जेलर पर जानलेवा हमला करने वाला एक अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। SDPO ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सावन की दूसरी सोमवारी पर शहर से लेकर गांव तक शिव मंदिरों में उमड़ा जन सैलाब। भक्तों ने बाबा भोले पर किया जलाभिषेक। कोर्ट फीस में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर जिले भर के अधिवक्ता रहे न्यायिक कार्य से अलग। काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। और शहीद बिरसा मुंडा डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। BDM देवघर की टीम ने किया टूर्नामेंट पर कब्जा। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कारा के जेलर प्रमोद कुमार पर जानलेवा हमला करने वाले एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SDPO ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बीते 20 जुलाई को केंद्र कारा के प्रभारी कारापाल प्रमोद कुमार पर जानलेवा हमला करने वाला एक आरोपी को पुलिस के अनुसंधान दल ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी पपरुआ टाड़ स्थित न्यू समाहरणालय में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को जेलर प्रमोद कुमार सरकारी कार्य से गिरिडीह न्यायालय अपने सरकारी वाहन से जा रहे थे। इसी दरमियान मुफसल थाना क्षेत्र अंतर्गत दाढ़ी डी के पास घात लगाए दो अपराधियों के द्वारा उनके गाड़ी पर 3 राउंड गोली चलाया गया था। इस घटना में जेलर प्रमोद कुमार बाल बाल बच गए, जिसके बाद जेलर के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मुफसल थाना कांड संख्या दर्ज कर त्वरित अनुसंधान एवं गिरफ्तारी के लिए विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। उक्त टीम के द्वारा कांड का त्वरित अनुसंधान करते हुए उस गोली कांड में शामिल एक अपराध कर्मी आशीष कुमार साह को मुफसिल थाना क्षेत्र के उतनाबाद पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक देसी पिस्टल, 2 देसी पिस्टल का मैगजीन, 1 पिस्टल का गोली, बिना नंबर का मोटरसाइकिल, छोटा मोबाइल बरामद किया गया है। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आशीष कुमार साह देवगढ़ जिला के मार्गो मुंडा निवासी है। SDPO ने बताया कि फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है, जल्दी पूरे कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोली कांड में शामिल दूसरे आरोपी मंजेश मंडल की गिरफ्तारी को लेकर छानबीन की जा रही है। SDPO ने कहा कि 12 जुलाई को गिरफ्तार आरोपी केंद्र कारा से रिहा होकर बाहर आया था। इसके खिलाफ कई बड़े आपराधिक इतिहास दर्ज है। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, इंस्पेक्टर पवन कुमार समेत अन्य पुलिस जवान उपस्थित थे। दिनांक 20/7/22 को गिरिडीह टुंडी रोड में केंद्रीय कारा गिरिडीह के जेलर प्रमोद कुमार पर जानलेवा हमला हुई थी। उसमें जो 2 अपराधकर्मी शामिल थे और उस घटना के आधार पर मुफस्सिल थाना प्राथमिकी दर्ज की गई थी और तकनीकी और मानवीय आसूचना के आधार पर उसमें संलिप्त अपराधकर्मी आशीष कुमार साह को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल, कारतूस, मैगजीन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बिना नंबर का हीरो का एक्सट्रीम को जब्त किया गया है। उसने अपने इस कांड में संलिप्तता स्वीकार किया है और जो लाश बरामद हुआ उसके उस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर अब तक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी कहां से हुई है सर? गिरफ्तारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदना बांध रोड से हुई है। कारण क्या रहा सर इस गोलीकांड का? देखिए, कारण तो ये अनुसंधान का विषय हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा है इसमें। चूँकि हाल ही में जेल से आशीष कुमार साह गिरिडीह जेल से छूटा था 12 जुलाई को, तो उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जिसकी और संलिप्तता पाई जाएगी, जिसका लिंक पाया जाएगा, उसके विरुद्ध हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। क्या सर टारगेट में जेलर थे या अधीक्षक थे? ये तो जेलर ही थे टारगेट में, जिन पर जानलेवा हमला किया गया था, जिनके गाड़ी पर 3 फायरिंग की गई थी। लीक होने का पता चला है, उसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और बाकी चीज़ें जब फैक्ट आएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें किसकी संलिप्तता है। दूसरे अपराधी जो और शामिल थे सर, वो क्या गिरफ्तारी से? हाँ, इसमें एक और अपराधी है, नाम है उसका मंजेश मंडल है, तो उसकी भी गिरफ्तारी है, तो लगातार छापेमारी की जा रही है, जल्द ही वह उसे भी गिरफ्तार कर लिया। सावन के दूसरी सोमवारी में शहर से लेकर गाँव तक शिव भक्तों में देखा गया खासा उत्साह। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक।
सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर जिले भर के शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। दूसरी सोमवारी को भी जिले भर के विभिन्न शिवालयों में आस्था का जन सैलाब दिखा। सोमवारी पर श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। इसको लेकर सभी शिवालयों की ओर से सावन की शुरुआत के समय ही तैयारी कर ली गई थी। मंदिरों का रंग रोगन कर विभिन्न किस्म के लाइटों से सजाया गया है। सावन की दूसरी सोमवारी पर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में श्रद्धालुओं का भीड़ देखने को मिला। सदर प्रखंड के उदनाबाद स्थित बाबा दुखरनाथ मंदिर, बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर, पुलिस लाइन स्थित पुरातन शिवालय, शास्त्री नगर स्थित शिव मंदिर, दुर्गा मंडप, झंडा मैदान स्थित पुराना जेल परिसर मंदिर, बरगंडा शिव मंदिर, बरमसिया अर्घा घाट, कृष्णा नगर, पचम्बा गोल्डिया, सिरसिया स्थित हरियर धाम मंदिर, झारखंड धाम मंदिर समेत विभिन्न प्रखंडों और गांवों में स्थित शिवालयों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। जिले के प्रसिद्ध दुखरनाथ मंदिर में दूसरी सोमवारी को भी अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किए। यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से मंदिर परिसर में माथा टेक कर भगवान शिव से जो भी मांगते हैं उनकी वह मन्नत अवश्य पूरा हो जाता है, जिसको लेकर हम सभी यहां पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। भक्तों ने कहा कि मंदिर परिसर में पहुंचते ही एक अलग प्रकार की उत्तेजना शरीर में प्रभावित हो जाती है। इधर शिवालयों में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम किया गया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। विभिन्न भीड़ वाले शिवालयों में सुबह से ही पुलिस के जवान तैनात देखने को मिले। बाबा तो सबसे बड़े देवों के देव महादेव हैं। इनके पूजा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बचपन से आज तक हम पूजा करते आए और सारी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। आगे जो है वो भी बाबा पूर्ण करेंगे और महादेव से यही प्रार्थना है कि ये महादेव सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। किस विधि विधान से पूजा करते हैं आप? जल अक्षत जितना है, दूध घी मधु सारा चीज हम अर्पण करते हैं। फूल बेलपत्र सारा चीज हमारे पास है, सब कुछ अर्पण करते हैं। और महादेव मेरे गुरु के रूप में, मेरे ही नहीं पूरे जगत के गुरु हैं और इनकी पूजा करने में दिल साफ करके पूजा करनी चाहिए और मन में श्रद्धा तो जरूर है। और मेरा विश्वास है कि बाबा दुखहरणनाथ सभी के दुख हरते हैं, हम सब का भी दुख हरेंगे, पूरे संसार का कल्याण करते हैं। और बाबा के लिए हम लोग शिव शिव परिवार हमेशा हमेशा के लिए बाबा के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। और मैं आप लोगों को भी मैं ये दुआएं देता हूँ कि बाबा आपकी सारी बिगड़ी मुरादें पूरी करें। हरनाथ बाबा मंदिर में दुखहरण कुमारी हुए और यहाँ का भक्त लोग बहुत श्रद्धा बहुत मनोकामना पूरा होती है और सभी का नज़र भी है बाबा के तरफ। और हम यही कहेंगे लोगों से और सरकार से कि यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन टाइप का हो जाए, इस सरकार के अंदर में इस मंदिर का योजना चले तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत यहाँ बढ़िया सुविधा है और इस बाबा में बहुत शक्ति है और अगर सरकार चाहे तो जरूर हो सकता है। जय भोलेनाथ। वृद्धि को लेकर गिरिडीह सहित जिले भर के अधिवक्ता आज अपने न्यायिक कार्य से अलग रहे। अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर विरोध में जताया। कोर्ट फीस में किए गए अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ गिरिडीह सहित जिले भर के अधिवक्ता आज अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे। इस कारण पक्षकारों को आज जिनका मुकदमा था उन्हें थोड़ी परेशानी हुई। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत ने बताया कि निसंदेह आज जिनके मामले तय हैं उन्हें थोड़ी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने कोर्ट फीस को बढ़ाया है उसमें प्रतिदिन पक्षकारों को परेशानी हो रही है। इस बढ़ोतरी से निर्धन और कम आय वाले व्यक्ति को न्यायालय में न्याय पाना कठिन हो जाएगा, इसलिए रोज रोज की संकट से निजात के लिए यह संघर्ष जरूरी था। महासचिव चुन्नूकांत ने इस बढ़ोतरी को जजिया टैक्स की संख्या दी और अविलंब सरकार को इसे वापस लेने का आग्रह किया, अन्यथा चेतावनी दी कि इस सवाल पर सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा। आज के इस आंदोलन में संघ के अध्यक्ष प्रकाश साहे, बाल गोविंद साहू, दशरथ प्रसाद, शिवेंद्र सिन्हा, उदय सिन्हा, ज्योति सिन्हा, विनोद यादव, विनोद पासवान, बब्बन खान, एस मित्रा, मीरा कुमारी, दिनेश विश्वकर्मा, केके सिंह, मनीष मंडल आदि की भूमिका सराहनीय रही। कोर्ट फीस में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी के खिलाफ में आज गिरिडीह जिले के तमाम अधिवक्ता अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे
और यह आंदोलन स्टेट बार काउंसिल के निर्देश के आलोक में किया गया था और ये जरूरी भी था। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जिन पक्षकारों के मामले तय थे उनको परेशानी हुई है इस आंदोलन की वजह से, लेकिन अगर आप इस पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि कोर्ट फीस में अप्रत्याशित वृद्धि किया है सरकार ने। जहां पहले मैक्सिमम कोर्ट फीस 50,000 रुपया था वो 3,00,000 रुपया कर दिया गया। आप अनुमान मान लगा सकते हैं कि इस तरह से जो बढ़ोतरी वो कितने प्रतिशत है, और एक सामान्य आय वाला आदमी निर्धन व्यक्ति न्यायिक कार्य में कैसे पार्टिसिपेट कर सकेगा। अगर उसको कोई परेशानी आती है तो कोर्ट फीस की वजह से उसको दिक्कत हो जाएगा। इसी तरह से अन्य मामले में भी जो फीस बढ़ा है वो काफ़ी अधिक है, इसीलिए हमने इसको जजिया टैक्स की संज्ञा दी और सरकार से आग्रह किया कि इसको वापस ले, अन्यथा सड़क पर उतर करके इसका विरोध किया जाएगा। और ये लड़ाई केवल अधिवक्ताओं की नहीं है, पक्षकारों की है, आम लोगों की है, और आम लोगों से इसलिए हमने निवेदन किया है कि आप इस संघर्ष में, इस आंदोलन में साथ दें, सहयोग करें, ताकि सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार कर सके। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शहीद बिरसा मुंडा रात्रि फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन के मौके पर रविवार को देर रात तक मुख्य अतिथि गिरिडीह SDPO अनिल सिंह सीओडी के आम बगान पहुंचे। मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों सहित खेल आयोजकों का उत्साहवर्धक किया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर सीओडी के पूर्व मुखिया संगीता कुमारी थी। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें फाइनल मुकाबला राधे राधे टीम गिरिडीह और BDM टीम देवघर के बीच खेला गया। इस फाइनल मुकाबले में BDM देवघर की टीम ने राधे राधे गिरिडीह टीम को 2-1 से हराकर इस टूर्नामेंट को अपना नाम किया। विजेता टीम 51,000 रुपए का चेक तथा ट्रॉफी प्रदान की गई। SDPO अनिल सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों ने एक अच्छा अनुशासन का परिचय दिया, जिसे यह टूर्नामेंट सफल हुआ। खेल से सामाजिक भावनाओं को बल मिलता है और उसमें भाईचारा की भावना प्रबल होती है। सहयोग देते रहते हैं, वैसे व्यक्ति आज काफी समय होने के बावजूद भी आपका बहुत समय देने के लिए आज उपस्थित हो गए, खिलाड़ियों का मनोबल को ऊंचा करने का काम किया है। आज जितना भी कहा जाए काम है, हमारे यहाँ आदरणीय जो मंच पर विराजमान है पप्पू जी, जो संगीता कुमारी जी, जो खेल प्रेमियों के लिए आज काफी मशक्कत करके लोगों को जो अभिवादन करने का काम किया है, जो इनको सहयोग करने का काम किया है, इनको बढ़ाने का काम किया है, मैं उनको तहे दिल से मैं उनको जितना भी कहा जाए वो काम है। सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूँ COD के लोगों का, जो काफी इनर्जेटिक है, डायनेमिक है और मैग्नेटिक भी है। देखा कि पूरा गेम में एक डिसिप्लिन बनाकर रखे और यहाँ पूरा गेम का आनंद लिए। और मैं और रिस्पेक्टेड डिस्टिंग्विश गेस्ट और ऑर्गेनाइजर पार्टिसिपेंट, आप सभी ने यहाँ एक जुट होकर जो एक इवेंट का आयोजन किया बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए हमारा जो लाइफ है और जो गेम है दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। किसी भी गेम में एक रूल होता है और उस रूल में एक होता है अनुशासन, डिसिप्लिन। तो हमने यहाँ देखा कि एक लोगों में, खिलाड़ियों में, सभी में एक डिसिप्लिन रहा और सभी में और गेम में एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होता है सभी का। कोई ऐसे एक फुटबॉल मैच हो रहा था जिसमें कोई सेंटर से खेल रहा था, कोई फॉरवर्ड से खेल रहा था, कोई मिडफील्डर था, कोई गोलकीपर था, सभी की अपनी अकाउंटेबिलिटी थी। अगर उस अकाउंटेबिलिटी के अनुसार वो नहीं खेलते हैं, अगर डिसिप्लिन को वायलेशन करते हैं, तो रेफरी के द्वारा उनको चेतावनी दी जाती है, उनको येलो कार्ड दिखा दिया जाता है, रेड कार्ड दिखाया जाता है और उसके बाद उनको ग्राउंड से बाहर कर दिया जाता है। उसी तरह से हमारा लाइफ है। तो फुटबॉल या कोई भी गेम है उस समय सीखने की जरूरत है। जब एक हमारा सभी का लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अगर आपको आगे जाना है, जहां आपका डेस्टिनेशन है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो अच्छा लगा और आप लोगों के बीच में मैं आकर बहुत ही
गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि और भी आप लोग ऐसे इवेंट करते रहें और हम लोग को बुलाते रहें और हम लोग भी आते रहेंगे। अजीडी से रुकनाबाद तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास विधायक सुदीप कुमार सोनू के द्वारा विधिवत रूप से किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य शरीक हुए। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अजीडी मोड़ से उतनाबाद पुल तक लगभग 5 किलोमीटर लंबाई की बनने वाली सड़क का शिलान्यास सोमवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उतनाबाद पंचायत मुखिया काजल देवी, उप प्रमुख कुमार सौरभ, मुख्य प्रतिनिधि नरेश यादव के द्वारा विधिवत रूप से किया गया। अतिथियों द्वारा पूजा पाठ के बाद नारियल फोड़ कर बनने वाले सड़क का शिलान्यास किया गया, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बरसात के मौसम में खासकर गड्ढों में पानी भर जाने के कारण राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सदर विधायक के सराहनीय पहल से अब इस सड़क को फिर से बनाया जाएगा। इस बाबत सदर विधायक ने कहा कि बाबा दुखहरण नाथ की कृपा से सावन महीने के सोमवार को इस क्षेत्र के सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस क्षेत्र में सड़क की समस्या लगभग 10 वर्षों से इस प्रकार थी, अनेकों लोग इस सड़क से रोजाना गुजरते थे। खराब सड़क के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब इसका शिलान्यास हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि सड़क निर्माण का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इस निर्माण कार्य में किसी तरह की कतोई नहीं बरती जाएगी। मौके पर भरत यादव, दिलीप उपाध्याय, केदार यादव, गोपाल राणा, सुमन राय, प्रभाकर राय सहित कई लोग मौजूद थे। बाद सड़क का शिलान्यास के लिए हमारे माननीय विधायक गिरिडीह सुदीप कुमार सोनू जी उतनाबाद पंचायत भवन के सामने शिलान्यास हुआ। यह रोड चाइना मोड़ टू अजीडी मोड़ होते हुए बड़ा गली पुल तक 4.78 किलोमीटर का एरिया में बनना है और शिवम मोड़ टू झरघट्टा पुल तक यह रोड का निर्माण होना है। इसी निमित्त आज हमारे विधायक जी उतनाबाद पहुँच के शिलान्यास किए रोड का। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग का सबसे बड़ी समस्या रोड का ही समस्या था। रोड में 3-3 फीट का गड्ढा, 2 फीट का गड्ढा हमेशा आज 10-12 साल से देख रहे थे। इस गड्ढे से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे विधायक जी का बहुत अच्छा प्रयास रहा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक जी को। मैं बस उनको यही कहना चाहता हूँ कि काम धीरे जरूर होता है लेकिन जिसका जो नियत समय है होगा। और हेमंत बाबू जो झारखंड की माटी के बेटे हैं, हर वर्ग पर, हर क्षेत्र में, हर जगह पर उनकी निगाह है। मंच के किनारे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें बैठी हैं और आपको भी आज मैं बोल कर जाता हूं कि अधिक से अधिक 1 से 1.5 महीना के अंदर में आप लोग का भी नियमावली, आप लोग का भी मानदेय बढ़ोतरी, तमाम चीजें 1 से 1.5 महीना के अंदर में होने जा रही है। आपके सामने यहां बोल कर मैं जा रहा हूं। तो हम बस यही कहेंगे कि इस पंचायत के लोगों ने सदैव आशीर्वाद दिया है मुझे, कोई कमी बेसी हो क्षमा कीजिएगा। मेरा प्रयास यह रहेगा कि यह पंचायत विकास के मसले में किसी भी इलाके से पीछे न रहे। निश्चित रूप से उतनाबाद पंचायत भी विकसित पंचायत की श्रेणी में शामिल रहे, इसी उम्मीद और कामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड। समिति की एक विभागीय बैठक है जिसमें उसको शामिल होना है, लेकिन यह काम भी उतनाबाद की धरती पर हम लोगों के इस इलाके के सर्वोच्च देवता बाबा दुखहरण नाथ के श्रावण महीने के सोमवार को यह हो जाए, इस यही इच्छा थी, इसलिए 10 बजे का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। तो बाबा की कृपा से यह सड़क अच्छी बने। मुखिया जी बोलते थे कि उतनाबाद जाना है और हम बोलते थे मुखिया जी खाली यहाँ जाके की करते, खाली चेहरा दिखेला से कुछ ना होते, कुछ ले के जीवे तो हम कुछ दे के जीवे तो हम लोग कहें ठीक लगते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, पूर्वांचल का विधायक, आपके गांव घर के बगल का विधायक, निश्चित रूप से अपने अगल बगल के इलाकों पर और जगहों से ज्यादा निगाह तो रहती है। ये ठीक है, थोड़ा सा विलंब हुआ, मेरे भी अनुमान के हिसाब से 6-8 महीने पहले सड़क का शिलान्यास हो जाना चाहिए था और ये सड़क शायद बन जानी चाहिए थी, लेकिन कई कारणों से
शिलान्यास में विलंब हुआ, लेकिन मुझको उम्मीद है कि 5.5 मीटर की यह सड़क, जहां पर की पीसीसी भी है, नाली भी है, ट्रेन भी है, बहुत लंबे समय के बाद एक अच्छी सड़क बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सड़क का कामकाज करने वाले लोग हमारे ही गांव के हैं, तो हमको यह बड़ा भरोसा है कि अपने गांव घर में बनने वाली सड़क को ढंग से बनाएंगे, कि इनका भी नाम जुड़ा हुआ है, हमारा भी नाम जुड़ा हुआ है। सड़क अच्छी बनेगी तो लोग कहेंगे कि यहाँ फलना बने ले लो, बढ़िया सड़क बन ले। तो 2-3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस पंचायत में कुछ और योजनाओं की तरफ मेरा ध्यान पूरी ताकत से है, और ईश्वर ने चाहा, बाबा दुकरनाथ की कृपा रही, तो जल्दी ही योजनाओं को भी हम लोग धरातल पर उतार लेंगे। तो हम इतना ही कहेंगे कि एक कहावत थी कि कारज धीरे होत है काहे होत धीर, समय पाए तरवर फलो फले के तक सींचो नीर। अब आपको चलो छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटते कुछ और खबरों के साथ, आप देखते रहे न्यूज़ लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नता प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, सुइटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहां के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1,000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया मगरपुर सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखे, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। संगीता की ब्यूटी ब्यूटी पार्लर, आपके सौंदर्य में 4 चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग परमानेंट, हेयर कैरेटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, SD मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए, ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह।
नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल डीएवी एसएसबीएम हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट जीन्स टी शर्ट साड़ी धोती सूट पीस चूड़ीदार सलवार सूट लॉन्ग कुर्ती लेगिंग्स फ्रॉक टॉप नाइटी गरारा सरारा लहंगा चुनरी गाउन प्लाजो बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस कचहरी चौक गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ खबरों की ओर। जिला परिषद सभागार में जिला परिषद का पहला बोर्ड बैठक आयोजित हुआ। जिला परिषद के सभागार में जिला परिषद का पहला सामान्य बोर्ड की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव बगोदर विधायक विनोद सिंह गांडे विधायक सरफराज अहमद उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा मौजूद थे। इस पहली बोर्ड बैठक में सबसे पहले परिचय सत्र चलाया गया, उसके बाद क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से बारिश नहीं होने की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर सभी सदस्यों के सहमति से जिले को सुखाड़ घोषित क्षेत्र करने की बात पारित की गई। वहीं अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत सभी सदस्यों को एक तालाब की अनुशंसा लिया जाए इस बात पर भी सहमति जताई गई। वहीं प्रखंडों में प्रमुख और पंचायत समिति के सदस्यों की बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी सहभागिता हो इस पर सदस्यों और प्रमुखों के द्वारा सहमति प्रदान की गई। साथ ही जिला परिषद के आय स्रोत से कैसे इजाफा हो सके उसको लेकर जिला परिषद जमीन पर दुकान बनाने की बात कही गई। जिला परिषद क्षेत्र में बने दुकानों को भी इस प्रकार दुरुस्त कर आय का स्रोत बढ़ाया जाए उस पर भी चर्चा हुई। बैठक में सांसद प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य प्रमुख और जिले के सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। और सब लोगों से नए सदस्य क्या है उसका परिचय था और वो आगे क्या 5 साल में करना है जिला परिषद को उसकी चर्चा अभी हो गई, जिसमें के अमृत सरोवर योजना भी है और जो योजनाएँ हैं उसकी चर्चा अभी हो रही है। तो निश्चित रूप से अपनी शुभकामनाएं हम जिन्हें आए थे हमारे यहाँ सर आयोजित करते हैं कि हम सही ढंग से लोगों से सरोवर, लेकिन हम लोग के द्वारा सदस्य लोगों के द्वारा हम लोग पारित किए कि एक अनुशंसा पर सदस्य लिया जाए और वहाँ बनाए। दुकान का भाड़ा बढ़ाना नहीं है, ये दुकान में बहुत सारा बाकी बकाया है, बहुत जगह दुकान है जिसका मतलब कोई उस जगह में लिया नहीं है, उसको प्रोत्साहन दे करके उसको दिया जाए। और जहाँ बाकी बकाया है दुकान का जो भी जिला परिषद का आय का स्रोत है उसको मतलब बढ़ाया जाए, चाहे जिस तरह से बढ़े। अच्छा ये बता दें सुखाड़ में पूरा हम लोग यहाँ पूरे सदन से यही हुआ कि गिरिडीह जिला को सुखाड़ घोषित किया। परिषद का पहली बैठक हुई, माननीय सभी सदस्यगण प्रमुखगण सांसद प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि विधायक लोग सभी विभाग का अफसर लोग भी थे, सचिव महोदय थे, उपाध्यक्ष थी। आज का हम लोग का जो सर्वसम्मत से पारित किया गया है एक था पहला एजेंडा था अमृत तालाब अमृत सरोवर,
सभी सदस्यों से अनुमति को पारित किया गया है सभी सहमति से। और दूसरा था हम लोग का ये सरोवर में क्या पारित किया गया छह सदस्य के अनुसार सर। और दूसरा था कि हम लोग का प्रखंड में जो प्रमुख लोग का जब बैठक होते हैं तो हम लोग का इसमें मतलब बुलाया जाए अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वहाँ का जो सदस्य जो है उसको पारित किया गया सभी सदस्य सहमति से पंचायत समिति की पंचायत समिति के बैठक में। और तीसरा था कि जो जितने हमारे जिला परिषद का दुकान जहाँ जहाँ बने हुए हैं वो आय स्रोत बढ़ाने के लिए कैसे हम लोग किया जाए इस सभी का सहमति से पारित किया गया। इसमें क्या पारित हुआ? पारित हुआ यही कि जैसे हमारे जिला परिषद का दुकान बना हुआ है राजधनवर है खिजुरी है भरकट्टा है जमुआ है सरिया है तो सभी दुकानों का जो दिया गया है। चौथा है हम लोग का ये तो इसमें हम लोग भवन बनाने के लिए सभी सहमति से पारित किया गया है। हरी होली ट्रिनिटी स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीबीएसई 10वीं बोर्ड में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में सीबीएसई के 10वीं बोर्ड में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्कूल के निदेशक मुमताज अली सेक्रेटरी जावेद अनवर अली एवं प्रिंसिपल अनीता सिन्हा ने 11 बच्चों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जहां एक और बधाइयां दी गई वहीं उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। सम्मानित बच्चों में सर्वप्रथम तमन्ना प्रवीण जिला टॉपर सानिया प्रशांत कुमार अभिजीत शर्मा साक्षी प्रिया गुंजन कुमारी दिवाकर रुद्र मोहम्मद साहिल सुधांशु शेखर ताजमीन फिरदौस एवं मंजीत कुमार थे। इस अवसर पर शिक्षक अभिनय आनंद चंद्रजीत सिंह सूरज कुमार आनंद कौशल रंजीत महतो राखी वर्मा सरिता विश्वकर्मा गौरव मुखर्जी सायोनी सरकार एवं अन्य मौजूद रहे। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उतनावाद पंचायत में सड़क शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पहुंचे सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने अपने संबोधन में कार्यक्रम के दौरान पहुंचे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को आश्वासन देते हुए कहा कि एक से डेढ़ माह के अंदर आंगनबाड़ी दीदियों को मिलने वाली नियमावली और मानदेय में बढ़ोतरी किया जाएगा। झारखंड के मिट्टी का बेटा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर क्षेत्र हर वर्ग और हर विभाग पर ध्यान रखते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सदर विधायक के आश्वासन के बाद आंगनबाड़ी के दीदी काफी खुश दिखी। मैं बस उनको यही कहना चाहता हूँ कि काम धीरे जरूर होता है लेकिन जिसका जो नियत समय है होगा। और हेमंत बाबू जो झारखंड की माटी के बेटे हैं हर वर्ग पर हर क्षेत्र में हर जगह पर उनकी निगाह है। मंच के किनारे हमारी आंगनबाड़ी की बहने बैठी हैं और आपको भी आज मैं बोलकर जाता हूं कि अधिक से अधिक एक से डेढ़ महीना के अंदर में आप लोग का भी नियमावली आप लोग का भी मानदेय बढ़ोतरी तमाम चीजें एक से डेढ़ महीना के अंदर में होने जा रही है। आपके सामने यहां बोलकर मैं जा रहा हूं तो हम बस यही कहेंगे कि इस पंचायत के लोगों ने सदैव आशीर्वाद दिया है मुझे। कोई कमी बेसी हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरा प्रयास यह रहेगा कि यह पंचायत विकास के मसले में किसी भी इलाके से पीछे न रहे। निश्चित रूप से उदराबाद पंचायत भी विकसित पंचायत की श्रेणी में शामिल रहे इसी उम्मीद और कामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद जय झारखंड। झारखंड जागरण फाउंडेशन एवं स्पार्क रांची के बैनर तले जीडी जलम धर्मशाला में कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें घरेलू कामगार महिलाओं को उनके अधिकार की जानकारी दी गई। जतन नेटवर्क के तहत जागो फाउंडेशन ग्रीडी एवं स्पार्क रांची के संयुक्त बैनर तले ग्लोबल फंड फॉर ओमेन के आर्थिक सहयोग से जीडी जलान धर्मशाला मगतपुर में
घरेलू कामगार महिला की दशा और दिशा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम मुख्य अतिथि स्वरूप शामिल हुए। कार्यशाला में उपस्थित लोगों के बीच अपना विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि समान काम का समान मिलना सभी का अधिकार है। साथ ही उन्होंने मजदूर हित बने कानून के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। किसी भी तरह की कानूनी जानकारी या सहायता के जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मदद लिया जा सकता है। कार्यशाला के उद्देश्य को बताते हुए जाको फाउंडेशन गिरिडीह के सचिव बैद्यनाथ ने कहा कि जतन नेटवर्क के माध्यम से झारखंड के विभिन्न जिलों में घरेलू कामगार महिलाओं का सर्वेक्षण कराया गया है। आर्थिक एवं मानसिक शोषण साथ साथ कई तरह समस्याएं हैं। इन समस्याओं के लिए मजदूरों को अपना जागरूक व संगठित होना होगा। इसके अलावा पीएलबी कामेश्वर कुमार, अमित कुमार, चिंता कुमारी आदि ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। मंच संचालन संस्था के सरोजीत कुमार ने किया, जबकि महेंद्र दास धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यशाला में पूनम भदानी पीर टाण एवं गिरिडीह प्रखंड से काफी संख्या में घरेलू कामगार महिला एवं असंगठित मजदूर शामिल हुए। कार्यशाला को सफल बनाने में विकास कुमार, मंजूर अंसारी, डोली कुमारी, प्रीति लता सराहनीय भूमिका रहा। बालिका उच्च विद्यालय पचम्बा में बीती रात चोरों ने दो मोटर जेट पंप चोरी कर लिया। विद्यालय के प्रिंसिपल ने प्रशासन से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। गिरिडीह बालिका उच्च विद्यालय पचम्बा में बीती रात चोरों ने पानी सप्लाई के दो मोटर जेट पंप को चोरों ने चोरी कर लिया। स्कूल संचालक ने बताया कि शनिवार को स्कूल में प्रोग्राम रखा गया था। प्रोग्राम के बाद स्कूल बंद किया गया। रविवार को चोरों ने स्कूल बंद का फायदा उठाकर स्कूल प्रांगण में चोरी को अंजाम दिया है। मोटर चोरी हो जाने से स्कूल में पानी सप्लाई बिल्कुल बंद हो गया है, जिससे पानी व अन्य कार्यों के लिए शिक्षक एवं विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रिंसिपल समा परवीन ने बताया कि इस बात की जानकारी पचम्बा थाना में आवेदन देकर दी गई है, साथ ही प्रबंधक को भी जानकारी दे दी गई है। पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके चोरों को पकड़ा जाए। प्रिंसिपल ने विभाग से दूसरा मोटर लगवाने की मांग की है, ताकि स्कूल में बच्चियों को पेयजल के लिए परेशानियों का सामना ना करना पड़े। संचालित था और शनिवार को विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। देर से हम लोग यहाँ से गए थे लगभग 3 बजे। उसके बाद कल रविवार था, बस कल रविवार का फायदा उठाकर शायद चोरों ने यहाँ हाथ साफ किया होगा। आज सुबह जब हम लोग विद्यालय पहुँचे तो फिर दरवाज़ा खोली स्टाफ रूम का, तब देखा कि वो उसकी कड़ी उठी हुई थी, तो हम लोगों को शक हुआ कि वो शायद कोई चोरी हुई हो। और फिर ऐसे देखने से तो कुछ प्रथम दृष्टि या कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन मोटर जहाँ रखा हुआ था मोटर के पास से मोटर गायब था और उस पर एक कपड़ा ओढ़ाया हुआ था। जब हमने देखा उसे हटाकर तो वहाँ से जो गेट पंप लगा हुआ था वो गायब थे। फिर छानबीन करने पर हम लोग चारों तरफ देखे कि और कोई सामान तो नहीं गया है। स्टाफ रूम से दूसरा कोई सामान तो समझ नहीं आया, लेकिन पुराने जर्जर भवन में भी एक मोटर लगा हुआ है। हम लोगों का शक वहाँ पर गया, उसको भी जाकर हमने देखा 4 मोटर स्कूल में हैं। तो एक एक कर हमने सब जगह छानबीन की तो देखा कि एक मोटर जो पुराने जर्जर भवन के स्टाफ रूम में पड़ा लगा हुआ था, जेट पंप वो भी था, उसको भी बहुत ही सफाई से उसको काट करके पंप को काट करके उसको ले गया है। तो ये दो मोटर और हैं हमारे पास जो अभी सुरक्षित अवस्था में हैं। इस तरह की घटना पहले अभी तक के स्कूल का तो 52 साल हो चुका है, पहले कभी भी कोई घटना चोरी की कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ के मोहल्लेवासी भी बता रहे हैं कि इस एरिया में चोरी की कोई घटना कभी नहीं हुई है। ये पहली बार है कि विद्यालय के प्रांगण से दो दो मोटर का चोरी हो जाना बहुत ही अफसोसजनक बात है। और दिक्कत इस बात की है कि हम विद्यार्थियों को पानी अभी किस प्रकार दे पाएंगे, क्योंकि पानी सप्लाई का यही दोनों मोटर ही साधन था। तो इसके लिए भी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी सूचना हमने भौतिक कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया को भी दे दिया है, और साथ ही साथ FIR भी हमने किया है पचम्बा थाना में। और पचम्बा थाना से थाना प्रभारी के साथ कुछ लोग आए भी थे, उन लोगों ने भी जांच पड़ताल की है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसकी खोजबीन की जाए। यह था हमारा आज का, फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।